ग्वालियर नगर निगम के चुनाव में युवाओं ने बाजी मारी है। 22 साल की युवती भावना खटिक ने जीत दर्ज की है। भावना वार्ड 36 से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी जीत जनता की जीत है, साथ ही उन्होंने युवाओं से राजनीति में आने की अपील की है। ग्वालियर नगर निगम में सबसे ज्यादा युवाओं ने बाजी मारी है, उसी में से एक 22 साल की युवती है और भावना बीकम खटीक है और उन्होंने चुनाव जीता है। बेटा कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को, कितना मुश्किल था और क्या लग रहा था और आप जीत हो गई आपकी? मुश्किल तो था मेरे लिए, मेरा फर्स्ट स्टेप है ये पार्षद प्रत्याशी और मतलब कि बीजेपी में नीत, तो फर्स्ट स्टेप था मेरा, तो मुझे लगा था, पर मैंने कोशिश की है और मैं जीती भी हूँ। अब क्या एजेंडा सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और आपके एजुकेशन क्या है, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? मेरी एजुकेशन मैं अभी स्टेनो कर रही हूँ और जो भी बार्ड में रुके हुए कार्य हैं मैं उनको कराऊंगी। सबसे पहले वहाँ पर रोड बहुत खराब है तो मैं सबसे पहले रोड को बनाऊंगी, पानी की प्रॉब्लम को दूर करूंगी और भितमा पेंशन जो भी रुके हुए कार्य हैं उन सबों को पूरा करने का प्रयास करूंगी। आप देख सकते हैं ये बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षद हैं और सबसे कम उम्र के हैं, यानी कि 22 साल की है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन साथ साथ उनका कहना है कि जिस तरह से युवाओं ने नगर निगम के जो चुनाव है उसमें बाजी मारी है तो कहीं ना कहीं 100 का संकेत भी है कि युवा अब राजनीति में आ रहे हैं और उनको जनता भी पसंद कर रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC ग्वालियर।